अमेरिका के दो मूल निवासी ऑरविल और विल्बर राइट, जो 1892 तक साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते रहे और अचानक से 8 साल के बाद एक हवाई जहाज का आविष्कार करके दुनिया के फादर ऑफ एविएशन का दर्जा हासिल कर लिया। आखिर कौन थे ये दो राइट ब्रदर्स और इनके पास विमान बनाने की जटिल टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, चलिए समझते हैं इसको। दिसंबर 1903 राइट ब्रदर्स ने वो चमत्कार कर डाला जो कल्पना से परे था। इंसान के उड़ने का सपना सच हो गया था, दुनिया की पहली फ्लाइंग मशीन बना ली गई थी। लेकिन क्या सच में राइट ब्रदर्स ही वो दो व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया? वैसे तो राइट ब्रदर्स का कोई भी वैज्ञानिक बैकग्राउंड नहीं रहा था, उनकी अधिकतर जिंदगी आम आदमियों जैसी रही, जीविका कमाने के लिए नए बिजनेस करे। लेकिन 1889 में राइट ब्रदर्स ने वेस्ट साइड न्यूज के नाम से अपनी एक अखबार कंपनी खोली और फिर 1892 में साइकिल रिपेयर की दुकान खोली, जहां ये साइकिल को अपना डिजाइन देकर बेचा करते थे। लेकिन यहां भी आविष्कार या विज्ञान जैसी कोई भी बात राइट ब्रदर्स में नहीं थी। तो फिर आखिर राइट ब्रदर्स ने ये करिश्मा कर कैसे दिखाया? 1864 मुंबई का एक छोटा सा गांव चीरा बाजार में एक बच्चे ने जन्म लिया, नाम शिवकर बापूजी तलपदे, जो आगे चलकर भारत का एक विद्वान और विश्व का पहला विमान आविष्कारक बना। शिवकर बापूजी तलपदे जी ने संस्कृत को सीखा, ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन किया और साथ ही साथ महर्षि भारद्वाज की विमान शास्त्र पर वर्षों गहरा अध्ययन भी किया। शायद आपको पता ना हो कि महर्षि भारद्वाज जी को भारत की प्राचीन विमान टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। महर्षि भारद्वाज जी द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में 500 किस्म के जहाजों को बनाया जा सकता है, वो भी 32 तरीकों से, यानी हर एक हवाई जहाज को 32 तरह के सिद्धांतों से बनाया जा सकता है। इसको आसान भाषा में आप यूं समझ सकते हो कि आज से पहले रेलगाड़ी स्टीम इंजन के सिद्धांत पर चलाई जाती रही, फिर इसके बाद डीजल, फिर इलेक्ट्रिक इंजन और अब ट्रेन एक नए मैग्नेटिक सिद्धांत पर चल रही है, जिसको हम मैग्लेव ट्रेन के नाम से जानते हैं। लेकिन महर्षि भारद्वाज जी द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में बहुत से विमान हमारे आज के भौतिकी के नियम के विरुद्ध बने हैं, जिनको बनाना अभी तक तो संभव नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपको शायद यकीन ना हो पर इस महाशास्त्र में एंटी ग्रेविटी वाले विमान तक का ब्लूप्रिंट है, जो हमारे भौतिकी के नियम के बिल्कुल उलट कार्य करता है। लेकिन सौभाग्य की बात तो यह है कि ये अनमोल शास्त्र आज भी भारत के पास है और यहीं से तलपदे जी ने विमान बनाने के सिद्धांत पे कार्य शुरू किया। और वर्ष 1895 यानी राइट ब्रदर्स के ठीक 8 साल पहले शिवकर बापूजी तलपदे जी ने एक पहला मानव रहित यानी अनमैंड एयरक्राफ्ट बना लिया था, बल्कि बनाया ही नहीं, उसको उड़ाकर भी दिखाया। इस विमान को देखने के लिए भारत के कई राजा और दिग्गज व्यक्तियों ने भाग लिया, जैसे कि महादेव गोविंद राणे, जो मुंबई हाईकोर्ट के अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत से काम करते थे, और वडोदरा के राजा सियाजी राव गायकवाड़कर, और हजारों की संख्या में लोग मुंबई की जुहू चौपाटी पे जमा हुए, जहां तलपदे जी ने अपना और दुनिया का सबसे पहला मानव रहित हवाई जहाज को 1500 फीट ऊपर उड़ाया और वापस सही सलामत जमीन पे भी लेके आ गए। कहा जाता है कि तलपदे जी ने इस मानव रहित विमान को नीचे खड़े होकर कुछ बटन्स या लीवर के जरिए उड़ाया था। तलपदे जी ने कहा था कि मैं ऐसे बहुत से विमान बना सकता हूं, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, जिसके लिए मुझे अधिक धन की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसा हो न सका, परंतु ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल चुकी थी। और तभी इंग्लैंड की एक कंपनी रैली ब्रदर्स ने तलपदे जी को आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आपके आविष्कार को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, जिससे कि आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे और साथ ही साथ इसमें हम पैसा भी लगाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस विमान के ब्लूप्रिंट समय देने होंगे। बस यहीं पर तलपदे जी मात खा गए और उन्होंने अपना सारा विज्ञान और कई जहाज के ब्लूप्रिंट्स रैली ब्रदर्स को दे दिए। कहा जाता है कि बाद में रैली ब्रदर्स ने इन ब्लूप्रिंट्स को अमेरिका के राइट ब्रदर्स को भेज दिया। आखिरकार तलपदे जी के विमान का ब्लूप्रिंट्स मिलने के ठीक 8 वर्ष बाद राइट ब्रदर्स ने अपना पहला विमान बनाकर, या यूं कहें कि कॉपी करके उड़ा दिया और पूरे विश्व जगत में फादर ऑफ एविएशन का सम्मान प्राप्त कर इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गए। वहीं तलपदे जी की पत्नी, जो उनके एक्सपेरिमेंट में सहायक थी, उनका स्वर्गवास होने से वे गहरी डिप्रेशन में चले गए। इस आविष्कार के कारण उनकी माली हालत पहले से ही बेहद खराब हो चुकी थी और वर्ष 1916 में अपनी पत्नी के गम में वह भी दुनिया छोड़कर चले गए और भारत का एक महान वैज्ञानिक इतिहास के अंधेरों में कहीं गुम हो गया। दोस्तों, तलपदे जी को उनका सम्मान कभी नहीं मिल पाया, जिनके वे असली हकदार थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन एक विमान बनाने में लगा दिया। आज उनके आविष्कार को पूरी दुनिया राइट ब्रदर्स के राइट फ्लायर के नाम से जानती है। इसलिए दोस्तों, दुनिया चाहे कुछ भी समझे, हमें तलपदे जी को उनका सम्मान देना ही होगा, यानी शिवकर बापूजी तलपदे, द फादर ऑफ एविएशन।